यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दलों ने शंखनाद कर दिया है। इस चुनाव में जहां कई नेता अर्श से सीधे फर्श पर पहुंचेंगे, तो कई राजनीति की सीढ़ियां चढ़कर नए जनसेवक के रूप में उभरेंगे। सर्वविदित है कि देश को उत्तर प्रदेश ने कई बड़े राजनेता दिए हैं, जिन्होंने जनता की सेवा करते हुए देश का प्रतिनिधित्व किया है। इन्हीं में से एक हैं किसान नेता व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर किसानों के दर्द को समझा और फिर राजनीति में आकर किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। उन्हें आज भी किसानों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। आइए जानते हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। चौधरी चरण सिंह का जन्म मेरठ के एक गरीब किसान परिवार में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। बेहद गरीब परिवार से होने के बावजूद उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी। 1925 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने LLB की और फिर गाजियाबाद में वकालत के दौरान गायत्री देवी से विवाह किया। 1929 में वह आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। इसके बाद 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च में भी हिस्सा लिया। वह 1940 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। आइए चौधरी चरण सिंह के सियासी सफर के बारे में जानते हैं। आज़ादी के बाद चौधरी चरण सिंह 1952 में यूपी की कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री बने, तो किसान हित में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित किया। 3 अप्रैल 1967 को पहली बार किसान नेता चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए मध्यावधि चुनाव में उन्होंने फिर सफलता हासिल की और वह दूसरी बार 17 फरवरी 1970 को यूपी के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने केंद्र की राजनीति में कदम रखा। उन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। इसी दौरान उनके व मोरारजी देसाई के बीच मतभेद हुए, तो उन्होंने बगावत करते हुए जनता दल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो कांग्रेस व दूसरे दलों के समर्थन से चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। इसके बाद इंदिरा गांधी ने शर्त रखी थी कि उनकी पार्टी वे उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, लेकिन सिद्धांतवादी चौधरी चरण सिंह ने उनकी शर्त नहीं मानी और 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने देश के किसानों की स्थिति सुधारने और उनके अधिकारों के लिए निरंतर कार्य किया था। 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह पंचतत्व में लीन हो गए।